मित्रों, आप सबको नमस्कार। अब मैं मेरी कहानी पढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक है नया रंग रूट। थाने में सिपाहियों ने भयभीत स्वर में दरोगा जी को राय दी, साहब जी हत्या के इस मामले को रफा दफा कर दें, वरना अपनी खैर नहीं है आज। एसपी साहब के बिगड़ेल बेटे को सरेआम हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर आपने जेल में बंद कर दिया। यह खबर सुनते ही वे आ दमकेंगे और आप पर बहुत नाराज होंगे। इस थाने में आप अभी नए तैनात हुए हैं, उनके बारे में खास जानकारी नहीं है आपको। वे बड़े जालिम, बड़े क्रोधी और एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। फिर भी राम जाने इतने दुष्ट स्वभाव और इतने भ्रष्टाचारी की ऊपर तक पहुंच कैसे है। सिपाहियों की बातें अनसुनी कर दरोगा जी तो रोज नामचा लिखने में व्यस्त हो गए, पर बेचारे सिपाहियों का कलेजा इस भय से कांप रहा था कि दरोगा जी ने एसपी साहब के सामने कानून की जरा भी पैरवी की तो वे गोली मार देंगे इनके। बेटे के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही एसपी साहब का खून खोल उठा। वे जीप द्वारा उड़ते हुए से थाने पर आ दमके। दरोगा जी ने बड़े अदब से उन्हें जय हिंद सर कहा तो वे चाहे जैसे बकने लगे। उनके भय से डरते कांपते सिपाही खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी शर्मनाक डांट फटकार नहीं सुनी थी। तुम्हारे बारे में इतनी शिकायतें आ रही हैं मेरे पास, एसपी साहब गुस्से में फुंकारते हुए कहने लगे। तुम चाहे जिसे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी क्यों करते हो? बस जिस काम को करने का हुक्म मिले उसके अलावा उस पर हुकूमत करने, थानेदारी का रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं है। कान खोल कर सुन लो, यदि तुम्हें नौकरी करनी है तो, और न ही तुम्हें उसूलों और सिद्धांतों पर काम करने की छूट है। मेरे हलके के थाने में रहने के लिए दरोगा को अपने उसूल और सिद्धांत त्यागने ही पड़ते हैं, और मेरी हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत ही जरूरी है। अधिक गुस्से में चुप रहना ही ठीक है, या एकदम शांत चित्त से अपनी बात कहनी चाहिए, समझानी चाहिए। बचपन में माँ ने नसीहत दी थी, तभी से जीत सिंह दरोगा जी माँ की सीख पर अमल करते आ रहे हैं, कभी आपे से बाहर नहीं हुए। सर, एक पुलिस अधिकारी को सिर्फ अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से, ईमानदारी से निभाने और अपने सिद्धांतों उसूलों की ज्यादा चिंता रहती है। उसकी कोशिश होती है अपराधियों को पकड़ने की, उन्हें सजा दिलाने की और जनता की जान माल की सुरक्षा, सेवा, सहायता करने की। दरोगा जी में आत्मबल और स्वाभिमान का उन्माद भरा हुआ था। वे दृढ़ स्वर में अपने विचार प्रकट करते हुए सीना तान कर सिर ऊंचा किए खड़े थे एसपी साहब के सामने। तुम्हारी इन बातों से तो विरोध की, बगावत की बू आ रही है, फिर भी मैं तुम्हें चेता रहा हूँ कि तुम अपने उसूल और सिद्धांतों पर डटे रहे, अपने विचार नहीं बदले तो तुम्हारी थानेदारी जरूर खतरे में पड़ जाएगी, एसपी साहब ने गुर्राते हुए धमकी दी। तुम अपनी तरक्की की भी आशा मत रखना। दरोगा जी सोचने लगे, एसपी साहब अपने पावर की धौंस देकर मुझे भी भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हैं, कानून की अनदेखी करवाना चाहते हैं, मेरी आत्मा को कुचलना चाहते हैं। मैं जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हूं, क्या एक भ्रष्टाचारी, कानून की परवाह न करने वाले एसपी को पटाकर रखने के लिए कानून के खिलाफ काम करूं, उसूल, सिद्धांतों और ईमानदारी को त्याग दूं, अपमान का विष पीकर इनके इशारों पर काम करूं, इनके हाँ में हाँ मिलाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, कानून का रखवाला और जनता का सेवक हूं। आत्मसम्मान और ईमानदारी से जीने का मुझे पूरा हक है। इस हक से, इस अधिकार से मुझे कोई भी वंचित नहीं कर सकता, चाहे वह अधिकारी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इस तरह सोच विचार कर दरोगा जी दबंगता से बोले, सर, चोरी और सीना जोरी ये कहाँ का इनका कानून है? ये तो सरासर धांधली है, अंधेर गर्दी है।
धांधली और अंधेर गर्दी कैसी होती है तुम नहीं जानते, तभी तो मेरे सामने बकवास कर रहे हो। तुम्हारी ये मजाल अब तो तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी, धांधली और अंधेर गर्दी कैसी होती है। झूठे केस में फंसा कर मैं जब तक चाहूं तब तक सड़ा सकता हूं तुम्हें जेल में। किसी वहम में न रहना, कल तो दरोगा बने हो और आज ही तानाशाही दिखानी शुरू कर दी, वह भी मेरे बेटे पर, तुम्हारे जैसे नए रंगरूट को सबक सिखाने के। मैं कई दंड अनेक पैंतरे जानता हूँ समझे, मुझे तो SP बने हुए बरसों बीत गए, अब तक मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार उसूलों और सिद्धांतों के दीवाने कई दरोगाओं को थानेदारी करना भुला चुका हूँ। इस बात का तुम्हें पता नहीं, वरना ये बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत न होती तुम्हारी। SP साहब मुछों पर ताव देते हुए जैसे दरोगा जी को डरा धमका रहे थे उनका मनोबल गिराने के लिए, सर ये आपका कोरा वहम है, जबरदस्त भूल है कि मैं आपकी धमकी दाब धोस के भय से अपने कर्तव्य, अपनी ईमानदारी, अपने उसूल और सिद्धांतों को त्याग कर आपकी जी हजूरी करने लगूंगा, हाँ में हाँ मिलाने लगूंगा। हालांकि आप बड़े पहुंच वाले अधिकारी हो, शाह को सफेद और सफेद को शाह करने के दांव पेच भी खूब जानते हो, पर मैं तो कानून के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करता, नहीं डरता हूँ धमकियों से। जब तक शरीर में प्राण है मैं हर अपराधी को पकड़ने के जतन जी तोड़ प्रयास करता रहूंगा, कानून की अवहेलना नहीं करूंगा तनिक भी। दरोगा जी निडरता से बोले जा रहे थे, आपके कपूत के खिलाफ 302 के तहत अपराध का मुकदमा कायम कर अदालत में पेश करूंगा उसे रिमांड के लिए। कानून के सामने पावरफुल अधिकारी हो या मंत्री कोई भी मायने, कोई भी महत्व तो नहीं रखता। बंद करो बकवास, तुम मेरे बेटे को अदालत में पेश नहीं करोगे, यह मेरा हुक्म है। SP साहब गुस्से से गरजे, जब मुझे बेटे को गिरफ्तार करने की सूचना मिली तो मैं थाने में जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में रिवाल्वर लाना भूल गया, नहीं तो तुम पर चढ़ा ईमानदारी उसूल और सिद्धांतों का नशा अभी उतार देता। फिर भी मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ, तुम्हारे ऊपर चढ़ा पारसाई का भूत उतारना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है, वरना कल को कोई और भी दरोगा तुम्हारी तरह मेरे से आंखें मिलाकर बात करने की गुस्ताखी कर सकता है। बेशक आप मुझे सस्पेंड कर दे सर, दरोगा जी ने मनोबल और स्वाभिमान से तनते हुए कहा, उसूलों सिद्धांतों और ईमानदारी की रक्षा करने के लिए मैं थानेदारी को हजारों दफे कुर्बान कर सकता हूँ। थानेदारी के दीवाने जीती मक्खी निगलने वाले तो घर घर और गली गली में डोलते फिरते मिल जाएंगे आपको। भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जी हजूरी, उनकी गुलामी करने वाले सैकड़ों चापलूस अधिकारी भी आपको इस उस घर में मिल जाएंगे। तनिक देर ठहर कर दरोगा जी दबंगता से कहने लगे, परंतु सर अपने उसूलों सिद्धांतों ईमानदारी और कानून का सम्मान करने के लिए थानेदारी को ठोकर मारने वाला तो मेरे जैसा कोई बिरला ही मिलेगा आपको। ईमानदार इंसान के आत्मबल का, स्वाभिमान का आपको पता नहीं है, तभी तो आप मुझे धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। निडरता से ये सब बातें कहते हुए दरोगा जी ने SP साहब की ओर स्वाभिमान और मनोबल से जगमगा रही आंखों से देखा तो उनका सारा क्रोध, अहंकार और पावर का घमंड उसी क्षण उनके हृदय से लोप हो गया। रोबदार चेहरे पर काली मासी छा गई, शर्म और आत्मग्लानी से नजरें झुक गई। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि वे मानो जमीन में धंसते जा रहे हैं। उनकी आत्मा ने पूछा, सच बताओ क्या तुम नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा भी ऐसा ही निडर और ईमानदार अधिकारी बनकर मेरा और खुद का भी दुनिया में नाम रोशन करे। वे आत्मा के प्रश्न का जवाब न दे सके तो वह फिर कहने लगी, तुम बेटे की शहर भर में हो रही बदनामी, गुंडागर्दी के किस्से सुनकर उसे सुधरने की संभलने की नसीहत तो खूब देते हो, पर वह सुधरा नहीं संभला नहीं। कारण
फिर तुमने ही कितनी खसोट मचा रखी है, मुंह मांगी रिश्वत मिल जानी चाहिए, फिर तो अपराध सरे आम होते रहे तुम्हारी बला से। देखो तुम्हारे जैसे तैतरेबाज और भ्रष्ट अधिकारी के सामने भी यह नया रंगरूट कितनी दिलेरी कितनी शान से स्वाभिमान से सिर ऊंचा किए खड़ा है, अचल अडिग हर तरह से योग्य और लाखों में एक इस दरोगा जी का अपमान करना, कर्तव्य से ईमानदारी से डिगाना क्या तुम्हें शोभा देता है? अंतर मन की धिकार से एसपी साहब की आंखों के आगे से कपूत बेटे की मोह ममता और अपने पद के अहंकार का पर्दा हट गया। वे मनी मन में स्वयं को बहुत गिरा हुआ इंसान समझ रहे थे, तभी तो वे तूप तड़ाक की बजाय बड़े मान सम्मान और आत्मीयता से बोल पड़े, दरोगा जी आप मेरी कही हुई जली कटी बातों और धमकियों का बुरा न मानिए तनिक भी, मैं तो आपकी ईमानदारी उसूल और सिद्धांतों को परख रहा था, परीक्षा ले रहा था। मेरे कपूत को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके आपने शाबाशी का काम किया है, उसे 302 की धारा के तहत केस में ऐसा जकड़े कि जल्दी से जमानत भी न हो सके, बेशक कई साल सड़ता रहे जेल में, तभी उसके बदमाश शागिर्दों के भी हौसले पस्त होंगे, कानून से डरेंगे। ये सब बातें दरोगा जी से कहने के बाद उन्होंने सवालिया नजरों से कोने कोने में भय से दुब के सिपाहियों की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब तो तुम सब मुझे जालिम स्वभाव का भ्रष्टाचारी एसपी नहीं कहोगे ना? इस नए रंगरूट ने अपने मनोबल और दबंगता से मेरा सारा झूठ फरेब अहंकार और क्रोध भस्म कर दिया, मेरी आंखें खोल दी, हृदय में भर दिया अनोखा प्रकाश। उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं भी अब कानून के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे पुलिस बदनाम हो, कानून की धज्जियां उड़े। मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि अपने पावर द्वारा जनता की सेवा सहायता जान माल की सुरक्षा करने अपराधों की रोकथाम करने की बजाय अपने ही अपराधी बेटे को बचाने के लिए दरोगा जी को ही धमका डरा रहा हूँ। इस तरह मन में सोच विचार कर वे कहने लगे, मेरे जैसे ही कानून की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के कारण ही देश समाज और हर जगह गुंडागर्दी अपराध और रिश्वत दिनों दिन फल फूल रहे हैं। इस दूषित वातावरण को कानून की घटती गिरती जा रही साख को ऊंचा उठाने के लिए दरोगा जी जैसे ही निडर ईमानदार और कानून के रखवाले अधिकारियों की पुलिस विभाग में बहुत जरूरत है। इस नए रंगरूट दरोगा जी की जितनी भी तारीफ की जाए शाबाशी दी जाए कम है। आज इनसे मुझे ऐसा प्रेरक प्रभावशाली सबक मिला है कि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। आशा है आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है नया रंगरूट।